सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साह संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज श्री आनंदपुर साहब शहर वसा के बड़े ही सुख सहित समा बतीत कर रहे सन ते अपने सेवकां नूं मुक्त कर रहे सन। औरंगजेब बादशाह ने बहुत पुठे चाले फड़े हुए सन क्योंकि वह सारी दुनिया नूं मुसलमान बनाउणा चाहुंदा सी, इसलिए हिंदुआं उत्ते बहुत सख्ती कर रहा सी ते सारयां दे धर्म नूं दूर करना चाहुंदा सी। वह कहिंदा सी कि सारे मनुखां नूं मैं मुसलमान बनाऊंगा, फिर मैं भली प्रकार शरा चलावांगा, शरा तो बगैर यह दोजक विच पैणगे जे यह चंगा ईमान धारण नहीं करनगे। श्री मुहम्मद जी पछम देश विच होए हन, उधर मुसलमाना दी बहुत वड्डी शक्ति है, उधर किते किते ही कमज़ोर हिंदू रहिंदे हन ते हुण पूरब दे देश नूं वी उहनां वांग मुसलमान बनावांगा। उस पासे तो सारे आउंदे हन, इन्हां नूं वेख के सारे शरा विच हो जाणगे। बादशाह ने मौलवियां दे नाल सलाह कीती, सारयां ने बादशाह दी बड़ी शलाघा कीती कि तुसीं ठीक कहा है। फिर औरंगजेब ने परवाने लिखे भेज दिते, पहलां कश्मीर दी नगरी विच पहुँच गए। उत्थे दा सूबेदार शेर अफगन सी, उह हुक्म करके सारयां नूं अधीन करदा सी। गरीब देश सी, सारा धन हाकम लै लैंदे सन, सारी प्रजा बहुत गरीब सी ते खाण नूं दाणा नहीं सी लभदा। इस तरह बादशाह दा भेजा परवाना कश्मीर पहुँचया, जिस उत्ते लिखा होया सी इस महान देश नूं तुरक बनाओ, धन ते धरती दा लालच दिओ, तुरक बन के सारे सुख पाओ, हौली हौली सारे दे मन नूं भरमाओ ते मुख तों मिठे बचन सुनाओ, जे नहीं मनते तां शक्ति दा दबका मारो, किसी तरह भी उहनां नूं शरां दे विच लै के आओ, जे फिर भी नहीं मनते तां विआह दा लालच दिओ। हिंदू धर्म विच जिहड़े दृढ़ हन, धन ते बुद्धि विच जिहड़े बहुत वड्डे हन, ब्राह्मण आदि जिहड़े इस देश विच हन, उहनां सारयां नूं हौली हौली तुरक बना लो। शेर अफगन बादशाह दी मत नूं समझ गया। जिहड़े बुद्धि अते धन विच वड्डे अमीर सन, उहनां सब ब्राह्मणां नूं उसने अपने पास बुला के कहा, बादशाह ने परवाना भेजा है, इस नूं वेख लो, वह तुहानूं विशेष वड्याई देणगे। सारे ब्राह्मणां ने सुन के मन विच बड़ा दुख पाया, कुछ कहा ना गया ते पछताउण लगे। काफ़ी देर तक सोचते रहे, अपने धर्म वास्ते फिर वह बोले, पहला तो साढ़े नाल इस तरह कदे किसी ने किया नहीं, हुण तुसी किस तरह साढ़े नाल जबरदस्ती करना चाहते हो, अपना धर्म असी किवें छड़िए, जद तो सृष्टि की रचना हुई है तद तो साढ़े वडेरियां ने हिंदू धर्म धारण किया होया है, असी अपना जन्म किवें विगाड़िए, तुसी तां शक्ति करके सानू मार ही सकते हो, असी मरण तक अपना धर्म रखांगे, झूठ दा जीवन कौन जीवे। ये कह के अपने अपने घरां नूं चले गए, जिहड़े धर्म दे धनी अपने धर्म विच दृढ़ सन। फिर जद कई दिन बीत गए, बादशाह वल्लों फिर तगीत चले गई। शेर अफगन बहुत डरिया ते उसने बहुत क्रोध किया, बुद्धि करके इस प्रकार समझिया कि जिहड़े पिंडां विच बहुत हिंदू रहिंदे हन उहनां नूं पहलां मुसलमान बनाउंदा हां, ते जिहड़े पहाड़ां विच ब्राह्मण हन ते कई खत्रियां दे घर वसदे हन पहलां उहनां नूं ही मुसलमान बनाईए। इस तरह सोच के उत्थे चढ़ के आ गया ते बड़ा जोर पाया ते उहनां नूं चंगी तरह मुसलमान बना लिया। एक दिन वीहां तीहां कोहां दे घेरे विच जिन्ने भी पिंड सन उहनां विच वसदे सारे हिंदुआं नूं एक थां उसने इकट्ठा किया, सारयां दे जनेऊ उतार ले। जद उहनां दा भार सवा मण हो गया, उस दिन उहनां सारयां नूं तुरक बना लिया। हिंदू हाहाकार करन लगे ते हिंदुआं विच बहुत रौला पै गया। खखे मुसलमान खत्रियां दा नां पै गया ते भंबे नाम ब्राह्मणां दा कर दिता। कश्मीर देश विच जिन्ने भी पहाड़ सन कुछ दिनां विच ही सारे मुसलमान हो गए। धन आदि जिन्नी भी समगरी सी उहनां ही तुरकां दे घर विच वध गई।
इस तरह जब हिंदुआ की अड़ टुट गई तो सारे शंकेवान हो गए ते धीरज जांदा रहा। फिर सारे नगरां दे ब्राह्मणां नूं शेर अफगन ने बुलाया, उन्हां नूं कहा कि हाथ जोड़ के कलमा पढ़ो, शरां तों नठिआं कुछ नहीं बनेगा। यह सुन के सब हिंदुआं नूं चिंता हो गई, इकट्ठे हो के इस प्रकार गल्लां करन लगे कि होर कोई उपा बनता नहीं, सारे जगत विच इन्हां दा राज है, लुकण वास्ते होर किते कोई थां नहीं, हुण की करिए। इस तरह विचार के उन्होंने अमरनाथ वाली थां ते जाण दा मन बनाया ते विचार के कहा कि चल के अमरनाथ वाली थां ते जाके मिलदे हाँ, खाना पीना छड के उत्थे धरना दिंदे हाँ, उत्थे ही शिवजी अगे बेनती करांगे ते उत्थे ही मरांगे। उत्थे ही शिवजी अगे बेनती करांगे, या तां हिंदू धर्म नूं रखो या फिर असी मर जावांगे। इधर आपां मुसलमानां नाल इकरार कर लैंदे हाँ, एक दो महीनों तक इन्हां नाल धीरज ता के रहने हाँ। इस तरह सलाह करके उत्थे जा पहुँचे जिथे सूबा ते होर मनुख इकट्ठे होए सन, हाथ जोड़ के सारे ने उच्चारण किया, छे महीने तक का असी इकरार करते हाँ, जिन्ने साथों यतन हो सकन वह असी कर लीए जे साडा धर्म रह जाए, नहीं तो असी उस तरह मान लवेंगे जिमें तुसी कहोगे। तुसी आज जगत के मालक अते वड्डे बलवान हो। शेर अफगन ने उन्हां दी गल मान ली ते ब्राह्मणा ने मिल के भरी प्रकार तैयारी कर ली। जीवन नालों हुण मरना चंगा है, असी धर्म त्यागना नहीं चाहते। इस तरह हठ करके कई कोहां दा लम्मा पैंडा तय करके भरोसा धार के अमरनाथ पहुँच गए। सारा खाना पीना छड के ते धीरज धार के इशनान करके चारे पासे बैठ गए ते शिवजी दे हजारा नाम कहे। उन्होंने शिवजी नू शंभू, चंद्रचूड़, नीलकंठ, तिना अखा वाला शिव शंकर, तप दी मूरत, महादेव, इस तरह अनेक ही नाम उन्होंने उचारे ते नाल भी कहा कि तू हर विघन नू दूर करन वाला है, जगत की मर्यादा स्थापित करता रहा है, जद देवत्यां नू विपता पैंदी है ते ओह दीन हो के तुहाडी शरण आउंदे हन, सारयां नू अपने भगत जाण के वड्डा बल धार के तुसी सहायता करदे हो, तुसी दीन बंधु ते गरीबी नू दूर करन वाले हो। हे प्रभु, पशुपति, ईश्वर, तुसी भगवान हो। हुण भयानक कलयुग का समा आया है, तुरकां का विशाल तेज वध गया है, औरंगजेब बादशाह हिंदुआं का नाश कर रहा है ते सारी मर्यादा नू तबाह करना चाहुंदा है। असी सारे ब्राह्मण तुहाडी शरण आ पए हाँ, तुहाडे बगैर हुण साडी कौन सहायता कर सकदा है। तुरकां दे राज दा वड्डा प्रकाश होया है, रावण वांग जे तुसी तुरकां दा नाश नहीं करना चाहुंदे फिर भी हिंदुआं दा भारी धर्म है, सहायक बन के हुण इस नूं बचा लो, नहीं तां सारे एक समान हो जाणगे ते सारे देवत्यां दी पूजा खत्म कर देणगे। सारे ब्राह्मण दीन हो के तुहाडी शरण विच पहुंचे हन, किरपा करो ता कि धरती ते धर्म रह जावे। इस तरह सारे ब्राह्मण शिवजी का नाम रट रहे सन ते डंडौत बंदना करके लम्मे पै रहे सन ते बहुत बेनतियां कर रहे सन। इस तरह खाण पीण बगैर दिन रात रो रहे सन, एक आसन ते बैठे रहिंदे सन ते सौंदे नहीं सन। धतूरा, अक, बिल दे पत्ते अर्पण कर रहे सन ते भोलेनाथ का ध्यान धारण कर रहे सन। इस तरह जब अठ दिन बतीत होए तो भुख प्यास अते नींद ने उन्होंने जित लिया, जिउण की आस छड के उन्होंने मरना कबूल किया क्योंकि वह अपने धर्म नू विनाश नहीं करना चाहते सन। कई व्याकुल होकर उत्थे ही डिग पए क्योंकि भोजन तो बगैर उन्हों का बल खत्म हो रहा सी। कई ब्राह्मणा ने तो बहुत वड्डा हठ धारण किया, हौली हौली श्रेष्ठ धीरज धार के दुख बर्दाश्त कर रहे सन, अनेक प्रकार पूजा कर रहे सन ते अखा विचों लगातार जल दी धारा वह रही सी। जदों इस तरह ध्यान धारदे होए कई दिन लंघ गए तो शिवजी ने ब्राह्मणा दे वड्डे कष्ट बारे जान लिया। शिवजी जान गए कि ब्राह्मण प्राणा दे अंत तक इत्थे ही पए रहणगे, इसलिए उन्होंने कृपा धार के एक चिट्ठी विच लिख के वचन कहे। श्री गुरु नानक देव जी जगत विच महान गुरु जी होए हन, कलयुग विच पली प्रकार हर तरह समर्थ हन, उन्हां दी गद्दी उत्ते हुण जिहड़े गुरु जी बैठे हन ओह ही तुहाडा कारज
पूरा करनगे। एहो पत्रका तुसी लैके जाओ ते अपनी सारी विथ्या उन्हां नूं सुनाओ, वह तुहाडा धर्म रखणगे, उन्हां बगैर तुहानूं होर कोई बचा नहीं सकता। उठो जाके भोजन करो ते हिरदे विच गुरु ते भरोसा धारण करो। जिथे सारे ब्राह्मण घेरा पा के प्यासे ते भुख दे दुख धारण करके बैठे सन, अद्धा पहर जद रात रह गई तां सारे ब्राह्मणा विच उत्थे इक चिट्ठी उतरी। जद सवेर होई ते सूरज दा सारे उजाला हो गया तां उत्थे पिया होया कागज सब ने वेख लिया। जदों उन्हां ने हथ नाल चुक के खोल के वेख्या तां शुद्ध अखरां दा पाठ करके बोलिया। ये अचंभा जाण के सारे मिल के इकट्ठे होए, सारे एक थां पत्रकां नूं पढ़ के सुणन लगे। भली भांत आशे नूं जाणिया कौण गुरू है, हुण बयान करो। उन्हां विच एक ब्राह्मण सारा वरतांत जाणदा सी कि श्री गुरु तेग बहादुर जी गुरु भगवंत हन। उसने सारा नूं सुना के कहा, मैं सारा कुछ जाणदा हाँ, तुसीं मेरे पासों सुनो। पहला श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी कश्मीर विच आए सन। एक बिरद स्त्री ने बहुत प्रेम धारण करके उन्हां नूं अपने पास बुलाया सी। वह अपने सेवकां नूं निहाल करके गए सन। गुरु जी दे श्रेष्ठ पंज सपुत्र होए सन। अपने पोतरे नूं उन्हां ने गुरगद्दी उत्ते बिठाया है ते श्री गुरु हरगोबिंद जी प्रभु विच समा गए। उन्हां दे पोतरे दे सपुत्र श्री हरकृष्ण जी होए हन। वह बाल अवस्था विच ही पूजनीय गुरु जी होए हन। वह केवल 2 साल गद्दी ते रहे हन। शरीर का अंत होण समय उन्हां ने बचन कहे सन कि गुरु बाबा जी बकाले पिंड विच रहिंदे हन ते आप सचखंड नूं चले गए। बकाले विच रहण वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी हन। वह सिखां विच चारे पासे प्रसिद्ध हन। उन्हां पास ही चलो ते अपना धर्म बचाओ। हुण लोक शर्म ते भरमां नूं छड्ड दिओ। सारे जगत विच गुरता गद्दी प्रगट है। श्री गुरु नानक देव जी ने सब विवादियां ते तर्कशीलां नूं जित लिया सी। वह हर समय सर्वकला समर्थ हन। जो चाहण वह कर सकते हैं। उन्हां दा बहुत वड्डा प्रताप है। हज़ारां कोहां तक उन्हां दे सिख सहायक हन। सह सुभा सदा असी सुनते रहे हाँ। यह सुन के सारे ब्राह्मणा दे मन विच निश्चा आ गया। शिवजी दा लिखिया होया सारयां नूं शुभ पाया। बार बार उसनूं वंदना करके ब्राह्मण उठे ते नगर विच आ गए। उन्होंने सलाह की कि पहला पंजाब देश नूं चलीए, फिर पुछ के सतगुरु जी की खोज करके उन्हां दे दर्शन करिए। इस तरह सलाह करके जो नगर के मुखी मुखी ब्राह्मण सन गुरु जी के दर्शनों वास्ते राहे राहा चल पे। इस तरह कश्मीर तो चलते चलते श्री अनंदपुर साहब पहुँच गए। जद श्री अनंदपुर साहब आके सारे ब्राह्मणा ने गुरु जी का जस सुनिया तो उन्हों का आनंद बहुत वध गया। तो वह कहण लगे, हिंदुआ की वड्डी पैज रखणगे। श्री अनंदपुर साहब विच एक शुभ स्थान देख के उन्होंने डेरा किया। पैरां नूं धो के वड्डी थकावट दूर की, खा पी के रात नूं उत्थे रह के ही सौ गए ते कहण लगे, सवेर नूं गुरु जी दे दर्शन करांगे। जिवें सुख नाल सुते सन उस तरह ही सुख नाल जाग पए ते सारयां ने सौच इशनान किया। 6 कर्मां दे करन वाले ब्राह्मण अपने धर्म नूं चाहुंदे सन ते चंदन कसा के मथियां ते तिलक लाउंदे सन। अनेक प्रकार के उपहार लै के फिर सतगुरु जी के दरबार में पहुँच गए। अरदासिया वेख के अंदर गया ते हाथ जोड़ के बोलिया, प्रभु जी कश्मीर देश विचों कई पंडित आए हैं। उतों के ब्राह्मण वड्डी गिणती विच दरवाजे ते खड़े हैं। आप जी के दर्शन करन ओह आए हैं। सारे पंडित बहुत बुद्धिवान हैं। यह सुन के श्री गुरु तेग बहादुर जी हस पए ते बोले, आउण दिओ, महान दुख विच फसे हैं। शिवजी का संदेशा साढ़े वास्ते लियाए हैं जिस नाल वह जगत विच सुख पाउणगे। अरदासिया जाके सारे पंडितों नूं बुला लिया आया। सारयां ने आके अपने सीस निवाए। उन्होंने आके कई उपहार दुशाले आदि अर्पण किए। कई प्रकार के फल भी वह अपने नाल लियाए सन जिहड़े उन्होंने गुरु जी नूं भेट किए। गुरु जी के दर्शन करके सारे बहुत प्रसन्न होए। गुरु जी ने उन्होंने सुख शांत पुछ के फिर इस तरह वचन कहे, अपने देश बारे गलबात सुनाओ, उत्थे किस प्रकार का वृतांत है।
गुरु जी ने उन्होंने कहा कि मैनू तुसी खास खास बंदे आए लगते हो, बाकी कश्मीर की संगत कित्थे है। यह सुन के ब्राह्मणा ने हाथ जोड़ के कहा, जिमें हाथ उत्ते रखे औले दे ज्ञान विच कोई शंका नहीं हुंदा, उस तरह तुसी सारी कायनात बारे जानते हो। तिना लोगों का सारा वृतांत श्री गुरु भगवंत जी नूं ज्ञात है, फिर भी तुसी पुछण वास्ते हुक्म किया है। वह प्रसंग सुनो जिमें साडे देश विच होया है। तुरकां दे राज नूं बड़ा लंबा समा हो गया है, प्रजा नूं दुखी करके सारा धन खो के साढ़े पासों लै जाते हैं। हुण वड्डी दुष्टता का बीड़ा चुकया है। बादशाह औरंगजेब चाहता है कि सारे हिंदू तुरक बन जाण, पहाड़ी देश के जिन्ने भी हिंदू हैं उन्हों का धर्म विगाड़ के वह तुरक बना चाहता है। एक दिन विच इन्ने जनेऊ उतारदा है कि तोलण नाल उसका भार सवा मण हो जाता है। फिर नगर विच साढ़े उत्ते बहुत शक्ति वरतदा है ते सारयां नूं कहा है कि अपना मजहब छड़ के सारे मुसलमान बन जाओ। असी 6 महीने का इकरार किया है, हुण जाके शिवजी की शरण लई सी। 8 दिन उत्थे बैठे रहे ते किसी ने भी कुछ खादा पीता नहीं। साड़ी कई दिन की तपस्या बाद महादेव जी ने एक चिट्ठी सानू भेजी है। इस तरह कह के वह चिट्ठी गुरु जी दे अगे धर दित्ती ते नाल कह दिता कि आप जी इस चिट्ठी नूं पढ़ो जिस विच आप जी की बहुत महिमा कीती है। हाथी वांग चुगत्ते तुरक औरंगजेब का तेज है, हिंदू धर्म के ब्रिछ नूं वेख के बहुत मस्त होया है। इस ब्रिछ नूं तोड़न वास्ते मुढ़ तों पुटना चाहुंदा है। आप जी वर्गे बलवान शेर दे हुंदिआं ओह इह कारा करना चाहुंदा है। हुण असीं आ के आप जी की शरण पए हाँ, शिव जी दे कहण ते तुसी साडी रखवाली करो। आप जी तो बगैर होर कोई समर्थ बलवान नहीं है जड़ा साडी रखवाली कर सके। हे मालक, एक आप जी का ही आसरा है, साडी बांह फड़ो, असी सारे डुब रहे हाँ। अपनी कृपा की श्रेष्ठ बेड़ी उपर चढ़ाओ, मलाह बन के इस बेड़ी नूं पार करो। जद जगत विच धर्म का नाश होण लगे तद प्रभु जी तुरंत अवतार धार लेंदे हन ते सहायक बन के बचा लेंदे हन। ये कथा असी पुराणा विच सुनी है। हुण आप जी का अवतार होया है, जगत विच तुहाडा महाप्रताप जाणिया जाता है। श्री गुरु नानक देव जी आदि जिहड़े गुरु साहिबान होए हैं उन्होंने पवित्र चरित्र अंकित किए हैं। हुण तुसी हिंदुओं का आसरा बनो, नहीं तो जगत विच एक भी हिंदू नहीं रहेगा। जब सारयां दा धर्म भ्रिष्ट हो जाएगा, यह देवत्या आदि की कोई भी पूजा नहीं करेगा, होम यज्ञ सारे खत्म हो जाएंगे, फिर देवते किवें स्थिरता पाउणगे? सारे महान काल पै जाएगा, उस समय जगत भी खत्म हो जाएगा। इस करके हुण तुसी साडे सहायक बनो, हिंदू धर्म नूं बचा लो, देवत्या आदि रख्या होवेगी, किसी तरह भी जगत की मर्यादा नूं कायम करो। इस प्रकार बहुत जुगतियां दे नाल ब्राह्मणा ने अपनी गाथा सुनाई। बहुत दुखी हो के वह शरणी पै गए, बार बार गुरु जी की उस्तत कर रहे सन। ब्राह्मणा पासों उन्हों का दुख सुन के सतगुरु जी उपा बारे सोच रहे सन। श्री गुरु नानक देव जी ने महान वर दिता सी जिस करके तुरकों ने वड्डा राज पाया है। ये राज नूं हुण किवें मिटाया जाए, उस तरह ही अनेक यतन चित विच सोच रहे सन। काफ़ी देर तक गुरु जी चुप रहे। श्री गुरु जी का मुख वेख के सभा विच्चों किसी ने कोई शब्द ना कहा। हाथ विच फड़ी चिट्ठी नूं वेख्या, शिवजी की लिखत वेखण वास्ते चित चाहिया। सारी चिट्ठी पढ़ के मौन धारण कर ली, वेखदे रहे, कोई भी ना बोलिया। 4 घड़ियां तक चुप रहे, हिरदे विच किसी प्रकार का उपा नहीं आ रहा सी। अपना सिर दे के इस बादशाहत नूं नष्ट कर दईए, इस तरह सोच रहे सन। बख्शिया होया राज इस तरह दूर कर सकते हाँ, होर तां कोई उपा बनता नहीं, असी भली प्रकार विचारिया है। हिरदे विच जद पूर्ण निश्चा कर लिया, सारे ब्राह्मणा नूं फिर गुरु जी ने कहा, हे सारे पंडितो, तुसी सारे इकट्ठे होवो, जिथे भी शुभ ब्राह्मण वेखदे हो सब नूं इकट्ठे करो। दिल्ली नगर नूं सारे जाओ, उत्थे जाके अपनी सारी विथ्या बादशाह नूं कहो। साडे खत्री जजमान हन, उन्हां पासों असी खांदे पींदे हाँ, असी सदा उन्हां दे आसरे रहिंदे हाँ ते अनेक विधियां नाल
ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਵੋ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਸ ਰਾਹੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਰਕ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਚਤੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਰਕ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਦਾਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।